his recitation, but now I invite his student, Qali Mubin. He will come and he will recite some verses from the Holy Quran. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم of Quran in the whole world. And many thousand people accepted Islam on his hands after listening to Quran. It is a
Kur'an-ı Kerim Qari Sayyid Sadaqat Ali served in Pakistan on PTV 50 years and five generations taught Quran from Qari Sayyid Sadaqat Ali, Hafiz of Allah Ta'ala. Now I invite Al-Muqri, Al-Shaykh Sayyid Sadaqat Ali, Hafiz of Allah Ta'ala, to give us light in our heart and to recite some verses from the Quran. Also, Qibla Qari Sayyid Sadaqat Ali Shah Sahab, ye government Pakistan ki taraf se ambassador hain peace ke liye, amn ke liye, aur Pagham-e-Pakistan. Pagham-e-Pakistan ye ek narrative hai dehshatgardi aur intaha pasandi ke khilaf. Ki puri duniya mein humne intaha pasandi aur dehshatgardi ka muqabla karna hai ek Quran ki tilawat sunane ke baad taaki dil mein narmi paida ho aur phir society mein community mein hum bade purwakar andaaz mein zindagi guzare. Qibla Muhtaram Qari sahab ne puri duniya mein is paigham ko phailaya, America, Europe, Arab countries, aur is paigham ko lekar ye har jagah pahunche, bilkhusus Arabon ke andar. जब ये मैसेज आ पाकिस्तान में, पाकिस्तान में फतवा है जिस पर पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा मशाइख उलमा ने दस्तखत किए हैं हर मसलक के आलिम ने, तो जब ये तशरीफ लाए उस वक्त मिस्र में मैं मौजूद था, तो हमने वो फतवा शेख उल अज़हर को भी पेश किया, ग्रैंड इमाम ऑफ अल अज़हर यूनिवर्सिटी डॉक्टर अहमद तय्यब हाफिज़हुल्लाह तआला. उन्होंने इस फतवे को बहुत पसंद किया कि ये बड़ी अच्छी बात है कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हम इंतहा पसंदी के खिलाफ ये इकदाम कर रहे हैं. उन्होंने फिर कारी साहब का शुक्रिया भी अदा किया कि आप हमारे पास मोहब्बत वाला पैगाम लेके आए हैं अल अज़हर की तरफ से और मिस्री गवर्नमेंट की तरफ से. इनका शुक्रिया अदा किया कि और फिर मेरी ड्यूटी लगी कि उस किताब का अरबी में तर्जमा करूँ. अरबी में तर्जमा हुआ, शेख उल अज़हर ने उस पर फिर मुकदमा लिखा और वहाँ के ग्रैंड मुफ्ती ने एक और फतवा लिखा उसके ऊपर, उसको इंडोर्स करने के लिए कि हम भी आपके साथ हैं कि मुआशरे में किसी किस्म की इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी किसी भी हवाले से हो वो हमें नहीं चाहिए. मुसलमान इंतहा पसंद नहीं होता, वो बड़ा प्यार करने वाला होता है और वो प्यार तकसीम करता है माशरे के अंदर, और कुरान उसकी बेहतरीन सूरत है कि जिसके ज़रिए से हम प्यार को तकसीम करते हैं, मोहब्बतों को तकसीम करते हैं. फिर वो किताब छपी है अल-अज़हर की तरफ से और उसका सारा क्रेडिट क़िबला क़ारी साहब को जाता है. और क़ारी साहब अभी पूरे यूरोप के दौरे से वापस आए हैं, इटली, वियना, ये आप खबरों में सुनते रहे होंगे, अमेरिका में इस तरह ये पूरा दौरा करते हुए हमारे पास तशरीफ लेके आए हैं. तो हमारी रिक्वेस्ट पर आज यहाँ इन्होंने हमें इज्जत बख्शी कि जिनकी तिलावत को सुनकर 10,000 से ज़्यादा लोग मुसलमान हो चुके हैं. तो ये कुरान का बहुत बड़ा इतिहास है. मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, अभी मैं दरख्वास्त करता हूँ क़िबला क़ारी साहब से कि वो अपनी रूहानियत मोहब्बत भरी आवाज़ में हमारे दिलों को सुकून अता करें, कुरान की तिलावत से हमारी इस दुनिया और आखिरत को भी रोशन फरमाएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जैसा कि डॉक्टर साहब ने फरमाया है पैगाम पाकिस्तान के हवाले से, पैगाम पाकिस्तान के जितना भी काम हुआ है वो सारा सेहरा जो है वो डॉक्टर साहब के साथ है.
अगर आप सबकी सरपरस्ती ना होती मिस्र के अंदर तो ये काम मुमकिन नहीं था। अक्सर बड़ी शफकत फरमाई, वहाँ पर रहते हुए उन्होंने इस आसन काम के अंदर हमारी बड़ी रहनमाई फरमाई। और जब तक ये नैरेटिव ये खुतबा जो है इसकी इंडोजमेंट जमत अज़र से शब्द अज़र ना करते और बे मुफ्ती इजिप्ट ना करते तो ये पूरी दुनिया में ये फतवा जो है वो इतनी अहमियत इख्तियार ना करता। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 हज़ार से ज़्यादा स्कॉलर्स पूरी दुनिया के अंदर जो है इस फतवे को इंडोज कर चुके हैं और इस नैरेटिव को वो एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वाकई जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी के ऊपर काबू डाला है यही तरीका है और उसके ऊपर अमल करते हुए बाकी लोग भी अपने अपने ममालिक के अंदर इस पर अमल पै रहा है। तो उसका तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह अरबी ज़ुबान में डॉक्टर साहब ने फरमाया, मिस्र के अंदर किताब छप चुकी है और होपफुली जनवरी या फरवरी के अंदर उसकी बहुत बड़ी तकरीब लॉन्चिंग हो रही है उसकी इजिप्ट के अंदर, उसमें मैं भी हाजिर हूँ, डॉक्टर साहब तशरीफ़ ले जाएँगे और तमाम इस्लामी ममालिक के एम्बेसडर्स भी उसमें तशरीफ़ लाएँगे ताकि उस नैरेटिव को ऑफिशली जो है वो जामत अज़र की तरफ से लॉन्च किया जाए। अल्लाह तबारक तआला उसको मंजूर फरमाए। एक मरतबा अल्लाह पढ़ लीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر. الله 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 الله. شانئك هو الأبتر.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن Assunda inşallah.